hi guys thank you so much for watching my channel the witty turtle and today we are going to discuss the study plan for uh, the revision plan basically for paper number 5 that is financial accounting okay so uh, the very first day you have to start with something that is uh, theoretical yet easy so we are going for uh, there are see there are total 5 accounting standards and we are going for one uh, accounting standard every day till 5 days okay सो फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ना है आपको कंप्लीट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन उससे रिलेटेड जो भी है एमसीक्यूज हैं आपको आ, आ, बुक में जितने क्वेश्चन हैं उसका जो भी थ्योरी है कॉन्सेप्ट है जो भी है वो आपको पढ़ना है और साथ ही साथ अगर आपके पास स्कैनर आर टी पी एम टी पी वक बुक ये सब है तो उसमें भी जो भी क्वेश्चन हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड वो भी आपको करने हैं सो फर्स्ट डे आपको करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इट विल टेक यू वन आवर मैक्सिमम फिर उसके बाद आपको पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपका स्टडी नोट नंबर वन है उसमें क्या पढ़ना है ये बेसिकली थ्योरी है सो so 1.1 से लेके 1.4 तक आपको पढ़ना है ये सब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा आ, ये आपका हो जाएगा 1.5 पॉइंट में ठीक है उसके बाद उसके बाद फंडामेंटल्स में ही एक चैप्टर है दैट इज योर डेप्रिसिएशन दैट इज वन तो ये वाला आपको कंप्लीट करना है जितने भी क्वेश्चन हैं बुक में या फिर आपको बाहर से कहीं भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको एक ही बार में खत्म करके निपटाना है तो क्या पढ़ना है आपको डेप्रिसिएशन इट विल टेक यू अगेन वन आवर मोर सो फर्स्ट डे आपको लगेगा थ्री पॉइंट फाइव आवर्स डे टू में क्या पढ़ना है जैसे कि मैंने आपको बताया था हम लोग हर दिन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो आपको डे टू में पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वो आपको थोड़ा सा बड़ा है तो इट विल टेक यू वन पॉइंट फाइव आवर्स फिर आपको पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग वाले चैप्टर में ही आता है और ये भी आपको लग जाएगा hours. और उसके अलावा आपको आपने जो भी, revise, जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन पढ़ा था वो आपको रिवाइज करना पड़ेगा इट विल टेक यू हाफ एन आवर सो टोटल थ्री पॉइंट फाइव आवर्स लगेगा आपको डे टू में भी डे थ्री में क्या पढ़ना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेवन आपको एक घंटा लगेगा उसके बाद जो इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर आपको पढ़ना है और उसके जो दोनों मेथड्स हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ स्टॉक दोनों के ही क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं इट विल टेक यू वन पॉइंट फाइव आर्स आपको क्योंकि हमें पता है कि ऑनलाइन एग्जाम ऑलमोस्ट श्योर है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं सो so आपको ये एकदम फॉर्मेट बना के नहीं करना है एक दो क्वेश्चन आप कॉन्सेपचुअल uh, क्लैरिटी के लिए फॉर्मेट बनाकर कर सकते हैं लेकिन Uh, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली एकदम से रफ uh, पेपर में करके सॉल्व कर सकते हैं सो 1.5 पॉइंट आवर्स में हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है रिवाइज करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन एंड टू दैट विल टेक यू अगेन हाफ एन आवर राइट डे फोर में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन ठीक है ये थोड़ा सा हल्का सा uh, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इट विल टेक यू फोर्टी मिनट्स और मैक्स टू मैक्स वन आवर लगेगा उसके बाद आपको पढ़ना है कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट का जो अकाउंटिंग है वो भी आप एक दो क्वेश्चंस फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस कर लेना फिर जो है रफली प्रैक्टिस कर लेना कैलकुलेटर और थोड़ा सा रफ पेपर लेकर वो 1.5 पॉइंट फाइव में हो जाएगा फिर आपको पढ़ना है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइन कंसाइनमेंट दोनों ही थोड़े से कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं तो इसीलिए आपको ये दोनों करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है उसके बाद आपको पढ़ना है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको से टू uh, आवर्स तक लगेगा ठीक है तो डे फोर में आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना है साढ़े तीन से चार घंटा थ्री पॉइंट में आपको पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टेन पीपी वाला uh, वो आपको लग जाएगा वन आवर फिर आपको क्या करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स ऑफ एक्सचेंज आराम से 1.5 पॉइंट आवर्स में हो जाएगा और उसके बाद हायर परचेज पढ़ना है आपको ठीक है हायर परचेज हायर परचेज आपको वन पॉइंट फाइव आर्स लगेगा और uh, बाकी टोटल uh, आपका डे फाइव में हो जाएगा कितने घंटे फोर आवर्स हो जाएगा अभी डे uh, सिक्स का हम लोग देखते हैं डे सिक्स में आपको पढ़ना है जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर विल टेक यू 1.5 पॉइंट आवर्स पहले इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे बट 2019 दिसंबर टर्म के ऑनवर्ड्स अभी तक जो दो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जॉइंट वेंचर से क्वेश्चन आया है तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं ज्वाइंट वेंचर से ज्वाइंट uh, वेंचर का जितना भी क्वेश्चन है बुक में आपको करने के लिए वन आवर्स लगेगा और रॉयल्टी रॉयल्टी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो एट टू टेन मार्क्स का आता है ठीक है एट टू टेन मार्क्स का आता है तो इसीलिए ये चैप्टर भी आपको छोड़ना नहीं है इट विल टेक यू वन पॉइंट फाइव आवर्स और अगर इसमें कोई दिक्कत है यू कैन रेफर टू द यूट्यूब चैनल द कॉमर्स कोच द कॉमर्स कोच ठीक है ये वाला यूट्यूब चैनल आप प्रेफर कर सकते हो वहां पर रॉयल्टी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन और उसके बाद एक हल्का सा तीन पेज का चैप्टर है दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम दैट विल टेक यू मैक्सिमम वन जीरो पॉइंट फाइव आवर्स यानि कि मैक्सिमम आपको थर्टी मिनट्स लगेगा और डे uh, सिक्स में आपको देना है कितना थ्री पॉइंट फाइव आर्स डे सेवन देखते हैं डे सेवन में आपको करना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ये जो चैप्टर है ये अकेले ही आपको थ्री uh, साढ़े तीन घंटा लगेगा थ्री पॉइंट फाइव आवर्स इट विल टेक एंड यू हैव टू कम्प्लीट दिस चैप्टर दैट वेरी सेम डे और uh, फिर डे एट में आते हैं डे एट में आपको पढ़ना है फाइनल अकाउंट्स ठीक है फाइनल अकाउंट्स को अकाउंट uh, जितना भी है मैंने उसको दो दिन में डिवाइड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है थोड़ा हैवी चैप्टर है तो हम लोग सारा एक दिन में नहीं पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट डे यानी कि डे एट में हम लोग uh, डेढ़ घंटा पढ़ेंगे वी विल स्टडी फाइनल अकाउंट्स फॉर वन पॉइंट फाइव आवर्स एंड आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक ब्रेक लेने के बाद हम लोग ब्रांच अकाउंट अकाउंट्स पढ़ेंगे ठीक है ब्रांच अकाउंटिंग uh, जितने भी क्वेश्चंस हैं दो घंटे लगेंगे आपको और डे नाइन में हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स जितना भी बाकी बचा होगा 1.5 पॉइंट आवर्स या फिर टू आवर्स ले सकते हैं आप जितना भी आप आपके जजमेंट uh, के हिसाब से और फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे ये खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ेंगे ठीक है वो भी आपको टू आवर्स लगेगा सो यू कैन टेक थ्री पॉइंट फाइव आवर्स टू मैक्सिमम फोर आवर्स ठीक है अब आते हैं डे टेन डे टेन में आपको क्या करना है डे टेन में आपको पढ़ना है एनपीओ ठीक है जो आपका आ, आ, फाइनल अकाउंट है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उनके उनका जो आपका अकाउंटिंग है जो फाइनल अकाउंट्स बनाने का आ, है वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है ये आपको दो घंटा लगेगा इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं और बहुत लंबे लंबे भी क्वेश्चंस हैं सो आपको ये फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ेंगे दो घंटा लगेगा फिर आपको क्या करना है हमने जितने भी ए पढ़े हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितने भी पढ़े हैं अभी तक क्योंकि ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप बार बार नहीं रिवाइज करोगे तो आप भूल जाओगे सो so, इसीलिए हम लोग फिर से जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं टोटल पांच वो सबको रिवाइज करेंगे इट विल टेक यू टोटल वन आवर और जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो भी आपको पर थोड़ा सा मार्जिन रखा है 30 मिनट्स रखा है सो so दैट अगर यहां पर कहीं पर आपको ज्यादा टाइम लगे तो एडजस्ट हो जाए एंड डे टेन में भी आपको लग जाएगा कितना थ्री आवर्स अब देखते हैं डे इलेवन डे इलेवन में क्या है एनपीओ का आपका जो भी बचा होगा आई नो दिस इज अग चैप्टर किसी किसी का कंप्लीट नहीं होता है दो घंटे में तो इसीलिए जो भी बचा होगा वो आप फिर से ले लो और एनपीओ को थोड़ा रिवाइज भी कर लो क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है सो so, ये आपको लग जाएगा 1.5 पॉइंट आवर्स आप एनपीओ कंप्लीट कर लेना जो भी रिमेनिंग आपका रहा होगा और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना उसके बाद आपका हर एक चैप्टर से जो भी पोर्शन बच गया होगा या जिसमें आपको लग रहा है कि हमें ये चीज़ दोबारा पढ़ने की जरूरत है उसके लिए मैंने इस दिन टू आवर्स रखा है So, इस दिन भी आपका हो गया टोटल फोर आवर्स ठीक है डे इलेवन में फिर चलते हैं डे ट्वेल्व में डे ट्वेल्व में मैंने आ, आ, रखा है पार्टनरशिप क्योंकि जो पार्टनरशिप अकाउंट है ना ये इससे तो हर साल क्वेश्चन आता ही है ठीक है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आता ही है और ये चैप्टर हम छोड़ नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हंड्रेड पेजेस का है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और इससे आता है कितना टेन टू फिफ्टीन मार्क्स सो आई एम लीविंग दिस अप टू यू अगर आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर देन गो फॉर दिस चैप्टर अदरवाइज अगर आप इस चैप्टर को छोड़कर बाकी सब भी करना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं लेकिन द कंडीशन इज दैट यू हैव टू कंप्लीट ऑल अदर चैप्टर्स ठीक है और अगर आप करना चाहेंगे पार्टनरशिप आपने ट्वेल्थ uh, में कॉमर्स लिया था आपको आइडिया है पार्टनरशिप का तो आप इजीली कर सकते हैं तो uh, पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर तो मैंने इसको दो दिन में डिवाइड किया है फर्स्ट डे यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट थ्री आवर्स और उसके बाद आपको थोड़ा सा एम सी क्यू करना है उस दिन और नेक्स्ट डे यानी कि डे थर्टीन में भी आपको साढ़े तीन तीन साढ़े तीन घंटा देना है पार्टनरशिप के लिए एंड uh, और थोड़ा सा एम सी क्यू करना है सो बेसिकली डे ट्वेल्व में यू हैव टू गिव थ्री पॉइंट फाइव आवर्स एंड ऑन डे थर्टीन यू हैव टू गिव फोर आवर्स सो टोटल टोटल मैंने रखा है मैंने जब कैलकुलेट uh, किया सारे आवर्स को सो so टोटल ये आ रहा है फोर्टी सेवन आवर्स फॉर पेपर फाइव इन थर्टीन डेज बट आप इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करोगे तो फिफ्टी आर्स लग जाएगा आपको थर्टीन डेज में आपको फिफ्टी आर्स देना है हार्डली साढ़े तीन घंटा हर दिन आपको देना है सो so, uh, uh, इससे आपका जो सिलेबस uh, है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा एक अच्छा रिविजन भी हो जाएगा और अगर इसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा करना है और एक बार अच्छे से तैयारी करनी है सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर मैराथन लेक्चर बाय मोहित सर मोहित अग्रवाल सर के YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे Uh, बहुत सारे मैराथन हर एक सब्जेक्ट का है वहाँ पर तो आप वहाँ से पेपर नंबर फाइव का भी मैराथन अटेंड कर सकते हो वो आई थिंक टेन टू इलेवन आवर्स का है उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं तो आपका जब ये सब uh, ख़त्म हो जाए ये सब uh, ये जो थर्टीन डेज ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप एक या दिन uh, दो दिन छोड़कर आप ये मैराथन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो ठीक है आई होप आप लोगों को मेरा ये रिविजन प्लान अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लग रहा है यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए इसे अपने सी एम इंटर के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल दो ओबीटी टोटल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट